हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के समुराय साइबर गेमिंग में। तो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया हो कि यह किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए एक बैड न्यूज़ है, कॉल ऑफ ड्यूटी एक कंट्री में हो चुकी है बैन। तो अब क्या यह इंडिया में भी बैन हो जाएगी, और किस कंट्री में बैन हुई है और क्यों बैन हुई है, इसी के बाद पे आज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को इन तक देखते रहिए, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी पर अब मंडरा रहा है खतरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक। तो दोस्तों, आइए मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ और बताता हूँ कि कॉल ऑफ ड्यूटी बैन क्यों हो रहा है और कहाँ हो रहा है। तो पहले बता दूँ कि कॉल ऑफ ड्यूटी जो एक गेम है जो कि काफ़ी पॉपुलर गेम हो गया था, यह 2019 का सबसे हाईएस्ट डाउनलोड गेम है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। इतना पॉपुलर है, इसे गूगल प्ले स्टोर की तरफ से नॉमिनेट भी किया गया है और इसे 2019 का जो बेस्ट डाउनलोड अवार्ड भी दिया गया। जी हाँ, यह पबजी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, डाउनलोड होने में बहुत ही जल्दी यह वायरल हुआ था, बहुत ही जल्दी ग्रो किया था और हमेशा से यह ग्रो करता ही आ रहा है, इसका हर एक सीरीज। तो ऐसा क्या आ गया कि कॉल ऑफ ड्यूटी को बैन करना पड़ गया एक कंट्री में? तो बात करता हूँ कि यह किस कंट्री में बैन हुई है। तो यह बहुत ही जाना माना कंट्री में बैन हुई है, जो कि और क्यों बैन हुई है मैं यह भी बता रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा डिटेल देखिए। तो जी हाँ, यह बैन हुई है हम लोग को चाइना में, बैन की गई है। चाइना वाले को क्या है कि उन लोग को हमेशा से बैटल ग्राउंड के जो गेम आता है प्रॉब्लम ही चलती रहती है। वो जब भी कोई भी गेम निकला वो बैन कर देते हैं अपने देश में, और दो तीन रूल वगैरह अगर फिर भी कोई अपना लॉन्च करना चाहता है तो रूल वगैरह लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चाइनाज वाले को यह सब गेम अपने कंट्री में बहुत बार यह बैन कर चुके हैं। और कॉल ऑफ ड्यूटी के ऐसा नहीं है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ही बैन किया जा रहा है, वह कॉल ऑफ ड्यूटी के जितने सारे सीरीज थे ऑलरेडी बैन किए जा चुके हैं चाइना में ऑलरेडी बैन है। और बता दूं कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो कुछ शर्त वगैरह भी अपना रखना चाहते हैं। उनका दो शर्त है कि अगर कोई भी गेम अगर लॉन्च होता है जिसमें मार धाड़ वगैरह हो और कोई भी बैटल हो गेम, तो उनका शर्त है कि अगर उनके देश में अगर कोई भी गेम लॉन्च किया जाए तो वह गेम का नाम पहले चेंज कर दिया जाए। वह गेम बिल्कुल नया उनके देश के लिए उनका पर्सनल नाम होना चाहिए वह गेम के लिए, और वो जो गेम से जो कमाएंगे उस देश से जो अर्निंग करेंगे उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह गेम का असर पबजी मोबाइल पे भी पड़ा था। ऐसा नहीं है कि यह कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ किए, यह पबजी मोबाइल जो निकला था पबजी मोबाइल को भी कर दिए थे अपने कंट्री में बैन, और इन्हें भी अपना नाम चेंज करने के लिए बोला गया था। और यह जो कमा रहा है पबजी मोबाइल, जो इनके देश से जो कमा रहे हैं, तो इनका कुछ अर्निंग का कुछ परसेंट इनको देना था। तो जी हाँ, तो पबजी वालों ने इनका यह शर्त मतलब मान ही लिया था, समझिए। तो वो बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर गेम फॉर पीस रख लिया था इन्होंने। और यह जो कमाते थे, जो अपना कमा रहे थे इनके चाइना में जो जो इनकी अर्निंग हो रही थी पबजी मोबाइल से, तो यह अपना अर्निंग का कुछ परसेंट भी अपने गवर्नमेंट को दे रहे थे, जो वहाँ के चाइना के हैं वहाँ के इनके गवर्नमेंट को भी दे रहे थे। तो कॉल ऑफ ड्यूटी ये पबजी मोबाइल तो चल रही है, अब यह अपना न्यू नेम के साथ चल रही है। तो बात सेम ऐसा ही आया है अब कॉल ऑफ ड्यूटी के ऊपर, अब सेम यह सिचुएशन आ गई कि अब कॉल ऑफ ड्यूटी अब फिलहाल में अभी करंट में बैन है कॉल ऑफ ड्यूटी, कोई भी आदमी नहीं खेल पा रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी वहाँ का, चाइना का लोग वहाँ फिलहाल बैन है। और यह दो शर्त रख दिए गए हैं कि अगर उसे अगर कोई न्यू नेम देना है तो न्यू नेम देकर, और इस कॉल ऑफ ड्यूटी का जो अर्निंग आता है उनका कुछ परसेंट उन्हें देना होगा, तभी अब से यह लॉन्च कर देंगे, नहीं तो कॉल ऑफ ड्यूटी गया मतलब चाइना में तो फिलहाल अभी बैन है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब बात ये आती है क्या यह इंडिया में भी बैन होगी, तो इसकी कंफर्मेशन नहीं है। जिस तरह पबजी का भी बैन होने का मतलब सिलसिला चला था इंडिया में, एक जगह से शुरू हुआ बैन होना, तो सभी जगह बैन होने के बाद चलने लगे और बात बहुत वायरल हो गई। तो बात अभी चाइना में कॉल ऑफ ड्यूटी बैन हो गई है, और अब देखिए कि इंडिया में क्या होने वाला है इसका, और इसका क्या असर पड़ने वाला है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे ये सब गेम वगैरह को लेकर बैन के चर्चे चलते ही रहते हैं। तो क्या यह बैन इंडिया में भी हो जाएगी, इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, मगर कुछ भी हो सकता है। अभी कॉल ऑफ ड्यूटी भी बहुत छाया हुआ है पबजी की तरह। तो आप लोग का कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि क्या इंडिया में भी यह बैन होगा या नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में बस यही था।
अब क्वालिटी के ऊपर तो बहुत बड़ा समस्या आ गया है कि वो करे तो क्या करे, या तो उसकी शर्त मानकर अपने गेम को अच्छा से चला सके या अपना गेम लेकर निकल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसका असर इंडिया पे क्या पड़ने वाला है ये भी बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही।